नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब घर में बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे से रह रहे होंगे, अपने मम्मी पापा की बात मान रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ समय अपनी पढ़ाई के लिए भी निकाल रहे होंगे। बच्चों, आज कुछ इंटरेस्टिंग है हमारे पास करने के लिए। अच्छा, आपके सामने ये चित्र है, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चलिए मिलकर इसको सुलझाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? कुछ बच्चे कागज़ की नाव बनाकर गड्ढे में जो पानी भरा है उसमें तैरा रहे हैं। आपको आती है कागज़ की नाव बनाने? बहुत इजी होती है, और फिर जब आप उसे चलाते हैं ना पानी में तो बहुत मज़ा आता है। पर इसके लिए आपको अपनी कॉपियों के पेज नहीं फाड़ने। अगर आपको कोई रफ़ कागज़ दिखता है या अखबार का कोई टुकड़ा दिखता है तो आप उसमें से बना सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप अपने स्कूल या कोई अच्छी कॉपी इनके पेज नहीं फाड़ेंगे। पेज फाड़ना बहुत गंदी आदत होती है, और आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, सब समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे साथ मिलके खाना खा रहे हैं। अरे वाह, आपको पता है अपना सामान, अपनी चीज़ें अपने फ्रेंड के साथ या किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना कितनी अच्छी बात होती है। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो आपकी भी हेल्प करते हैं, ठीक है? और एक बच्चा अपनी गुलेर से पेड़ पर लगे फल तोड़ रहा है। ये थोड़ा सा रिस्की है, इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि गुलेर चलाते कैसे हैं। पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मम्मी या पापा जो आपसे बड़े हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो आपके लिए आपको जो भी चाहिए वो आपको लाकर देंगे। आप अपने आप कोई भी रिस्क नहीं उठाएंगे, ठीक है? वैसे ये दृश्य है कहाँ का? ये चित्र आपको कहाँ का लग रहा है कि कहाँ सब बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। ये जो दृश्य है ये है स्कूल का, और ये स्कूल में इंटरवल का टाइम है। हर स्कूल में इंटरवल के टाइम सब कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, कुछ साथ मिलके खाना खा रहे हैं, और वहाँ उनके टीचर और जो मैम है वो खड़े होकर उनकी केयर कर रहे हैं, ठीक है? वैसे हम और ये चीज़ें कहाँ करते हैं? कागज़ की नाव तो हम अपने घर पर भी चला सकते हैं, पानी बाल्टी में पानी भर के। पर क्या हम झूला झूल सकते हैं अपने घर पे? झूल सकते हैं। अगर आपके घर में पेड़ है तो आप अपने पापा मम्मी को कह के उस पर रस्सी डलवा के वहाँ झूला डलवा सकते हैं और फिर उस पर झूल सकते हैं। और हम झूला और हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? हमें और झूला मिलते हैं देखने को बगीचे में। जब हम पार्क में जाते हैं खेलने तो वहाँ बच्चों के लिए स्पेशली बहुत सारे झूले लगाए जाते हैं। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम के पाठ एक झूला की में एक में पोयम पढ़ेंगे। कविता है झूला एक, और इस झूले में एक बच्चा है जो झूले के प्रति अपने प्यार को, अपने मनोभावों को, कि उसके लिए कि उसके दिमाग में झूले के लिए क्या क्या विचार आ रहे हैं, कि वो झूले की सहायता से क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ एक, कविता का शीर्षक है झूला। पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है,
चल दिल्ली, ले चल कलकत्ता। तो बच्चों एक बार दोबारा पढ़ेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। बच्चों कविता में एक बच्चा अपनी प्यारी प्यारी भावनाओं को बता रहा है। वह अपनी माँ से झूला लगाने की मांग कर रहा है। जैसे आप बोलते हैं ना, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, तो वो अपनी मम्मी से झूला लगाने को बोल रहा है। वह बोल रहा है कि माँ मेरे लिए एक झूला लगवा दो और मैं इस झूले पर झूलूंगा, मैं इस झूले पर बैठकर और ऊपर बढ़कर आसमान को भी छू सकता हूँ और छू लूँगा। मैं अपने आसपास की हर चीज़ों को अपने झूले के साथ झूलता देखता हूँ। वो देखो, पेड़ पौधों की डालियाँ भी झूल रही हैं, पत्ते भी झूल रहे हैं। वाओ, कितना मज़ा आ रहा है इस झूले पर झूलने में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नीचे की धरती और ऊपर का आसमान सब झूल रहे हैं। इस झूले पर बैठने से लगता है मैं कहीं भी जा सकता हूँ। क्या मैं दिल्ली या कलकत्ता जा सकता हूँ? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की धरती और ऊपर का आसमान सब झूल रहे हैं। रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है, आसमान भी बहुत खुश है जो प्यारी प्यारी बूंदें टपका रहा है बारिश के रूप में। झूले पर बैठे बैठे मेरे मन में एक उपाय आया है कि मैं आसमान को छूने के साथ साथ जो ये उस पर उमड़ते घुमड़ते बादल आ रहे हैं ना, इनको भी लूट सकता हूँ और इन पर बैठकर पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमने इस कविता में क्या समझा कि बच्चा या फिर आप सब भी झूलों को कितना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि हम झूले पर बैठकर कहीं भी जा सकते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ों के चित्र दे रखे हैं, जैसे फाटक, टायर, दरी, मेज, डाली, झाड़ू, अलमारी या फिर पैर वाला झूला। आपको बताना है कि आपको इन चीज़ों में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं झूला झूलने में। चलिए शुरू करें। क्या आपने कभी टायर को देखा है पेड़ से बंधे हुए रस्सी के सहारे और बच्चे उस पर खूब झूलते हैं? मैंने तो देखा है। तो हम टायर पे झूल सकते हैं ना, चलिए इसे सर्कल कर देते हैं। फाटक, मैं तो फाटक पे बहुत घूमी हूँ, बहुत झूली हूँ। फाटक पे चढ़ के इधर उधर जाना रिस्की होता है लेकिन बच्चे करते हैं, तो इसका मतलब हम फाटक पर भी
झूल सकते हैं, झाड़ू पे तो नहीं झूल सकते। क्या आप कभी झाड़ू पे झूलते हैं? नहीं। डाली पे? हाँ, डाली पे तो झूल सकते हैं। हम झूला कहाँ डालते हैं? रस्सी में। डाली पे तो डालते हैं। अलमारी में? नहीं नहीं नहीं, अलमारी में नहीं झूल सकते। मेज पर? नहीं नहीं नहीं। और दरी पर? नहीं, दरी पर भी नहीं झूल सकते। ये रहा सबसे प्यारा झूला जो हम अपनी मम्मी के पैरों पे झूलते हैं। कौन कौन झूलता है अपनी मम्मी के पैरों पे? अरे वाह, चलिए। अच्छा, किस झूले पर झूलने पे आपको डांट पड़ती है? मुझे फाटक, मुझे लगता है कि फाटक पे झूलने पे डांट पड़ेगी, रिस्की होता है ना, मैंने बताया था। और साथ ही साथ हमें अलमारी और मेज पे भी नहीं झूलना चाहिए, हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। सबसे अच्छा झूला कौन सा है जिसमें हमें बिल्कुल चोट नहीं लगती? वो है मम्मी के पैर वाला झूला, सबसे प्यारा झूला, और इस झूलने पे बहुत मज़ा आता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको किस पर झूलने में मज़ा आता है? वो है पैर वाला झूला। दूसरा कोई क्वेश्चन है, आपको किस झूलने में डर लगता है? तो वो है डाली वाला झूला, डर लगता है। और किस झूले पर झूलने में डांट पड़ती है? तो वो है फाटक वाला झूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप यहाँ पर दिए गए झूले पर कभी झूले हैं? इन झूलों को और आपने कहाँ कहाँ देखा है? चलिए, पहला है हमारा टायर वाला झूला। ये हमने कहाँ देखे हैं? ये हम टायर वाला झूला हम देखते हैं पार्क में, वहाँ पे ऐसे ही झूले बंधे होते हैं बच्चों के लिए। और ये वाला झूला भी पार्क में, अपने घर के आंगन में अगर कोई पेड़ है तो हम वहाँ भी इन दो झूलों को बना सकते हैं, बांध सकते हैं। और ये वाला भी, और ये वाला भी, ये चारों झूले, नहीं चारों नहीं, पांचों, 1 2 3 4 5, ये पांचों झूले हमने कहाँ देखे हैं? स्कूल में, पार्क में, घर के आंगन में, या फिर बगीचे में। चलिए, ये सारे ही झूले हैं, अब हम इन्हें बारी बारी से देखते हैं। ये वाला झूला हमने कहाँ देखा है? ये वाला झूला हम देखते हैं अपने घर के आंगन में, ठीक है, बगीचे में भी देख सकते हैं, ये वाला भी। और ये वाला झूला कहाँ देखा होगा हमने? मेले में। ये वाला भी मेले में देखा है। ये वाला झूला कहाँ देखा है हमने? ये हमने देखा है स्कूल में, ये और ये। और ये वाला झूला कहाँ देखा? ये तो हमने बगीचे में देखा है, ठीक है। देखो, यहाँ बच्चे कुछ खेल रहे हैं, जैसे जो ये बच्चे हैं और ये क्या खेल रहे हैं? छुपन छुपनता। सुना होगा अपने नाम ना, आप छुप जाते हैं सब लोग, फिर एक बच्चा गिनती गिनता है आँखें बंद करके, और वो फिर आपको ढूंढने आता है, और आप उसे क्या बोलते हैं? धप्पा। और वो फिर से आउट हो जाता है, या फिर अगर वो किसी को धप्पा बोल देता है, धप्पा बोलता है, तो वो दूसरा भी जिसको पहले पकड़ता है वो उसकी जगह डैन बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्या आपने ये वाला गेम खेला है? यहाँ बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? बाकी बच्चे तो छुपन छुपनता खेल रहे हैं, और बाकी बच्चे, एक बच्चा एक लड़की की हेल्प कर रहा है पानी पीने में, और ये बच्चे मार्बल्स पत्थर से कुछ खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ठेला, झूला, पेड़ और गठरी, हमें इनको बताना है कौन सा क्या है। इसको कहते हैं ठेला, ठीक है, इसे कहते हैं
झूला, इसे कहते हैं पेड़ और इसे कहते हैं गठरी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। अब हमें ये है मेज के नीचे, हम कहाँ कहाँ छुप सकते हैं? मेज के नीचे छुप सकते हैं, चारपाई के नीचे छुप सकते हैं और झाड़ी के पीछे भी छुप सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको अपनी पोयम को पढ़ना है, याद करना है और झूला आप अपने मम्मी या पापा से कह सकते हैं, वो आपके लिए झूला बना सकते हैं, या फिर नहीं तो आपके पास आपका परमानेंट झूला है मम्मी की गोद या पापा के पैरों पे, तो आप वो भी झूला झूल सकते हैं। ठीक है बच्चों, साई राम।